हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर टाइगोनियन। सो आज का जो वीडियो है वो हमारा है किक सीरीज़ के ऊपर, और जो आज का किक का है वो है थर्ड नंबर पे, यानी कि किक सीरीज़ का थर्ड पार्ट। और आज का किक का नाम है आउटर एज या फिर आउटसाइड किक। तो एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपका फाइटिंग स्टांस, और इसको जो है इस किक को जो है ओ शेप में बनाना है, जैसे कि ओ लिखते हैं वैसे ही राइट लेग से या फिर लेफ्ट लेग से आपको ओ बनाना है, सर्कल मूवमेंट देना है। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, एक और बार, ठीक है। इस किक को जो है पूरा सर्कल बनाना रहता है। तो अब मैं आपको इसका पूरा डिटेलिंग बताने वाला हूँ कि इसका टारगेटिंग कहाँ पे होता है और पावर कैसे मार सकते हैं और कैसे कैसे आप जो है इस किक को यूज़ कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर टाइकोनियन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस किक को जो आपको सर्कल मूवमेंट देना है, यानी कि ओ बनाना है पैर से, जैसे कि हम हाथ से ओ बनाते हैं। हो सकता है कैमरे में ऑपोजिट दिखे कुछ इस तरीके से, बट आपको उसी तरीके से ओ बनाना है, ठीक है। आप खड़े हो जाना पहले सिंपल वे में, उसका हाथ से ओ बनाओ, ओ बना, सेम उसी तरीके से आपको पैर से भी ओ बनाना है। तो पहले जब प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है पहले इतने नीचे से स्टार्टिंग करना, क्योंकि जो आपका स्ट्रेचिंग नहीं होगा तो आपको पेन ज़्यादा हो सकता है, और जो यहाँ का दो बोन्स मतलब कनेक्ट रहता है बोन, उससे जो है आपको थोड़ा सा जर्क आ सकता है। इसलिए आपको धीरे धीरे बनाना है प्रैक्टिस, तो आपको नीचे से स्टार्टिंग कर सकते हो। जब फाइटिंग स्टांस, सबसे पहले आपको बेसिक फाइटिंग स्टांस होना जरूरी है। मैं कुछ इस तरीके से खड़ा हूँ, आपको यहाँ से नॉर्मल इतना सर्कल बनाया, फिर वापस थोड़ा सा और ऊपर, फिर वापस, फिर थोड़ा सा और ऊपर, फिर वापस। इसको ओ बनाना है, ठीक है। यहाँ से उठाए, जहाँ से पैर उठाओगे वहीं से घूम फिरा के वापस उधर ही पैर लेकर आना है। यहाँ से उठाया फिर वापस यहीं पे, ये नहीं करना कि उठाया फिर आगे रखा, ये गलत हो जाएगा इस किक का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट उठाओगे और वापस यहीं पे लेकर आना है, सेम लेफ्ट से लेग से भी, यहाँ से उठाए वापस इधर, ठीक है, फिर यहाँ से उठाए फिर वापस यहीं पर। और इसको प्रैक्टिस करने का यही तरीका है कि आप जो है नीचे से स्टार्टिंग करो। अगर आपको सर्कल नहीं बन रहा है तो आप क्या कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट रख सकते हो कि उसके ऊपर से हाइट से, उसके ऊपर हाइट से आपको किक निकालना है। जैसे कि आप मान लो कि इतना हाइट यहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट रख दिया, या फिर लकड़ी रख दिया, या फिर चेयर रख दिया, चेयर के ऊपर से आपको किक निकालना है, ठीक है। सोच के भी कर सकते हो या फिर आप रख भी सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिकल भी कर सकते हो और इमेजिनेशन रख के भी कर सकते हो प्रैक्टिस। ये बेसिक सा किक है, और इसका जो टारगेट रहता है वो मेन रहता है आपका फेस पे। ड्यूरिंग फाइट अगर कोई ओपोनेंट आपके पास आ जाता है तो क्या कर सकते हो, जैसे कि ये ओपोनेंट मेरा यहाँ पे पास है, ठीक है, इधर ही है, तो आप क्या कर सकते हो, मूवमेंट आपका जो पैर है पीछे रखें और उसके पैर के बगल में से, ठीक है, बगल में से निकाल के आप जो है डायरेक्ट हिट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हिट कर सकते हो। तो जैसे कि आपका ओपोनेंट आपके पास है इतना इधर, ठीक है, फाइटिंग स्टांस में हो तो काफ़ी टाइकोनो फाइट में ये होता है कि सब चिपक जाते हैं और ऐसे करके ब्लॉक कर देते हैं एंड लॉक, ठीक है। तो इस ड्यूरिंग इस ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हो, आप जो पैर पीछे रखें और इसके पैर और अपने पैर के बीच में से जो गैप रहता है, अगर इसको पैर चेंज रहेगा, चेंज, ठीक है, यहाँ भी रहेगा ऐसे रहता है ना फाइट, ठीक है। अब यहाँ से भी आप निकाल सकते हो इस किक को, बस आपके में जो है स्पीड होना चाहिए और माइंड को शांत रख के आप अगर सोचोगे कि कौन कौन सा किक मार सकते हो तो काफ़ी किक मार सकते हो, पर अगर ये किक मारना है तो आप जो है ईजिली यहाँ से ऐसे रखा और यहाँ से निकालोगे तो निकल जाएगा, ठीक है, अब जाओ। तो जैसे कि आपको जो गैप जो रहेगा फाइटर आपका ओपोनेंट और आपके बीच में जो थोड़ा सा गैप रहेगा, उस गैप में जो आप पैर निकाल के आप जो हिट कर सकते हो। और इसका टारगेट इतना पावरफुल रहता है, अगर आप स्पीड में इस किक को निकाल दिए
तो ओपोनेंट का अगर फेस पे लगा तो कंफर्म वो जो है नॉकआउट हो सकता है और बहुत ज़बरदस्त उसके जबड़े पे लगने के चांसेस रहता है, और अगर नहीं भी लगा तो यहाँ पे कान के तरफ लगता है, अगर कान पे लग गया तो आपका जो ओपोनेंट है वो वैसे वहाँ पे थोड़ी देर सुन्न हो जाएगा और उस ड्यूरिंग उस टाइम पे आप जो और भी किक्स आप मार सकते हो, ठीक है। तो ये किक बहुत ही इम्प्रेसिव किक हो सकता है अगर आप अच्छे से यूज़ करोगे तो, और काफ़ी नॉकआउट किक भी हो सकता है अगर आप अच्छे से यूज़ करोगे तो। मैंने ये किक जो है पहले यूज़ करता था, ठीक है, और अब भी यूज़ करता हूँ, बट उतना यूज़ नहीं करता क्योंकि अब जो है मैं एडवांस किक यूज़ करने लगता हूँ। पर आप जो अगर बिगिनर हो तो इस किक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा और ये जो किक है बहुत ही इम्प्रेसिव होता है। तो अगर आप इस किक को जो है पावर से यूज़ करना चाहते हैं तो आप जो बेसिक मूव जो आपका बेसिक फाइटिंग स्टांस रहता है उससे आपका थोड़ा सा पैर जो है हल्का सा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, यानी कि नॉर्मल इतना 45 डिग्री एंगल तो आपको जो पैर है थोड़ा सा पीछे रखना पड़ेगा। अगर ज़्यादा पीछे रखोगे तो भी किक नहीं निकल पाएगा उतना पावर से, और ज़्यादा क्लोज रखोगे तब तो और ही नहीं निकल पाएगा। तो इसका जो है फाइटिंग स्टांस 45 डिग्री, फिर देन हल्का सा पीछे, बस यहाँ से इतना काफ़ी है। इसके बाद जो आप जो है पूरा पावर से जो आपका किक जो है निकाल सकते हो। तो एक बार मैं आपको पूरा अच्छे से परफेक्टली किक करके दिखा देता हूँ कि कैसे जो है पावर से निकाल सकते हो, और वो भी पूरा सर्कल मूवमेंट के साथ। तो आज का वीडियो यहीं तक, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस किक से रिलेटेड या फिर कोई भी बेसिक किक से रिलेटेड या फिर कोई भी किक से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कीजिए और उसमें आप जो है डीएम कर सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, सी यू, जय हिंद।